दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए मैकेनिकल टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मिल सके मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि G76 की थ्रेडिंग साइकिल फानुक कंट्रोलर में कैसे बनती है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उसी तरह से आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कि साइकिल 97 यानी कि थ्रेडिंग साइकिल सीमेंस कंट्रोलर पर कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों फानुक और सीमेंस में थ्रेडिंग साइकिल में इतना डिफरेंस है कि फानुक में हमें G76 की दो लाइनें इनपुट करनी होती है, जबकि सीमेंस में हमें यहाँ पे एक रेडीमेड साइकिल दी हुई है, उसमें हमें कुछ पैरामीटर इनपुट करने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सीमेंस में थ्रेडिंग साइकिल बनाने के लिए एडिट मोड में वो साइकिल का फंक्शन कहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने N10 में जी कोड यूज़ किया है। अगर अभी तक आपने M और जी कोड के वीडियो नहीं देखे तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। दोस्तों ये जी कोड स्पेशल जी कोड है। सीमेंस यहाँ पे हमें ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर पहली लाइन में हम G291 कोड लिख देते हैं तो हम फानुक में बनाया हुआ कोई भी प्रोग्राम स्टैंडर्ड सीमेंस में चला सकते हैं। और आपको ये मालूम होगा कि फानुक और सीमेंस के प्रोग्राम में कुछ पैरामीटर में कुछ डिफरेंस होता है, मगर यहाँ G291 लिखने से स्टैंडर्ड फानुक का प्रोग्राम सीमेंस में भी चल सकता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने टूल नंबर, स्पिंडल के RPM और टूल की पहली पोजीशन दे दी है। उसके बाद 3-4 एंड ऑफ ब्लॉक छोड़ दिए ताकि यहाँ पे हम हमारी थ्रेडिंग साइकिल इनपुट करेंगे, और फिर उसके बाद टूल की होम पोजीशन दे के यहाँ पे प्रोग्राम को एंड कर दिया है। तो अब हम देखेंगे कि थ्रेडिंग साइकिल यहाँ पे इनपुट कैसे करनी है। सबसे पहले प्रोग्राम की स्क्रीन पे आप नीचे देख सकते हैं कि टर्निंग का फंक्शन दिया हुआ है। उस टर्निंग के फंक्शन को जैसे हम प्रेस करेंगे तो राइट एंड पे हमें कुछ और ऐसे फंक्शन दिख जाएंगे, उसमें पहला स्टॉक रिमूवल और दूसरा थ्रेड है। जैसे हम थ्रेड के फंक्शन को प्रेस करेंगे तो और दो हमें ऑप्शन मिलेंगे, थ्रेड कटिंग और थ्रेड चेनिंग। तो अभी हम यहाँ पे थ्रेड कटिंग कर रहे हैं इसलिए हम थ्रेड कटिंग प्रेस करेंगे। थ्रेड चेनिंग के बारे में वीडियो के लास्ट में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। थ्रेड कटिंग के बटन को प्रेस करते ही कुछ हमें इस तरीके का एक स्क्रीन मिल जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि इस थ्रेड कटिंग की साइकिल में सारे पैरामीटर में हमें क्या क्या इनपुट करना है। आज के इस वीडियो में हम M24x2mm पिच के थ्रेड की साइकिल क्रिएट करेंगे, और M24 के थ्रेड के बारे में मैंने यहाँ भी डिटेल दी है और उसके पहले के वीडियो में भी डिटेल दी है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो साइकिल का हमारा पैरामीटर वो है PIT एंड MPIT। तो यहाँ पे PIT का मतलब है थ्रेड की पिच हमें यहाँ पे कितनी रखनी है। तो हमारे इस जॉब में M24x2mm पिच है तो हम 2mm पिच रखेंगे, और साइकिल में हमें 2 लिख के सीधा इनपुट करना है। उसके बाद का पैरामीटर MPIT। अगर हमें यहाँ पे मैट्रिक स्टैंडर्ड थ्रेड निकालने हैं तो MPIT में ऑप्शन दिए हुए होते हैं। आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं कि ब्लू कलर का सिंबल दिया है, जो सिंबल हमारे सिलेक्शन बटन का है जो हमारे कीपैड पे दिया हुआ होता है। जैसे हम सिलेक्शन बटन को प्रेस करेंगे तो सबसे पहली हमारी पिच हमें यहाँ पे मिलेगी 3.5 mm, और जैसे जैसे सिलेक्शन बटन को हम प्रेस करते जाएंगे वो पिच हमारी बढ़ती जाएगी। तो इस पैरामीटर में हमें सिलेक्शन के लिए 3.5 mm पिच से लेकर 16 mm पिच तक के थ्रेड मिल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि भाई पिच और एम पिच दोनों अलग अलग क्यों दिए हैं। तो पिच में हम कोई भी पिच इनपुट कर सकते हैं, जैसे कि 1.5, 10 mm, 15.57 mm, जबकि एम पिच में हम स्टैंडर्ड मैट्रिक थ्रेड ही इनपुट कर पाएंगे। और एम पिच का एक और ये भी फायदा है कि हमें उसमें स्टैंडर्ड पिच डालने के बाद मेजर माइनर डायमीटर और थ्रेड डेप्थ की जरूरत नहीं रहती। तो अगर हम मैट्रिक थ्रेड निकाल रहे हैं तो हम पिच भी लिख सकते हैं और एम पिच भी लिख सकते हैं। उसके बाद दिया जाता है SPL और FPL। और SPL का यहाँ पे मतलब है कि थ्रेडिंग हमें जेड में कहाँ से शुरू करनी है, और FPL का मतलब है कि थ्रेड हमें कहाँ पे पूरे करने हैं, मतलब कि जेड माइनस कितना रखना है। उसके बाद दिया जाता है DM1 और DM2। DM1 मतलब कि स्टार्टिंग का हमारा X यानी कि थ्रेडिंग डायमीटर कितना है। तो हमारे यहाँ पे M24 का थ्रेड इसलिए हम 24 का डायमीटर रखेंगे। DM2 का मतलब है दूसरा यानी कि एंडिंग डायमीटर कौन सा है। तो अगर हम प्लेन थ्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारा 24 का ही रहेगा, अगर हम टेपर थ्रेडिंग करते हैं तो हमारा DM2 चेंज होगा। तो यहाँ पे हमें दोनों में डायमीटर की वैल्यू लिखनी है, मतलब कि X की वैल्यू लिखनी है। उसके बाद दिया जाता है APP और ROP। यहाँ पे थोड़ा क्लियर समझने के लिए हम एक ड्राइंग देखेंगे। आप ड्राइंग देख सकते हैं कि उसमें मैंने APP = 0.5 mm लिखा है, मतलब कि APP की वैल्यू में वो वैल्यू दी जाती है कि हमें टूल का पॉइंट जॉब की फेस से कितना दूर रखना है, मतलब कि हमारा थ्रेड जब शुरू होगा तो टूल हमारा फेस से कितना दूर रहना चाहिए। उसी तरह से आप ROP में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 0 लिखा है, क्योंकि थ्रेडिंग साइकिल में मैं Z-20 रखने वाला हूँ। अगर हमें थ्रेड 20 mm तक नहीं ले जाने और 15 mm ले जाने के बाद थ्रेड के कट को छुड़ाने के लिए हमें यहाँ पे ROP की वैल्यू देनी होती है। अगर हम ROP में 0.5 लिखेंगे तो 15 + 0.5 तक Z में जाएगा,
मतलब कि वो साइकिल में जेड माइनस 15.5 mm तक जाएगा। उसके बाद का हमारा पैरामीटर है TDEP यानी कि टोटल थ्रेड डेप्थ। M24/2 mm बीच में हमने देखा कि हमारी थ्रेड डेप्थ यहाँ पे 1 mm है, तो उसमें हम 1 लिखेंगे। उसके बाद दिया गया है FAL यानी कि थ्रेड के फिनिशिंग के लिए हमें लास्ट पाथ में कितना अलाउंस रखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.05 mm जो कि हमारा लास्ट पाथ का फिनिशिंग अलाउंस होगा। उसके बाद दिया जाता है IANG मतलब कि इनफीड एंगल। ये इनफीड एंगल हमारे थ्रेड का एंगल होगा, मतलब कि टूल टिप्स का जो हमारा एंगल है वो एंगल दिया जाएगा। पर यहाँ पे फानुक की जगह पे कुछ उल्टा है, यहाँ पे हाफ वैल्यू दी जाती है, मतलब कि अगर मैट्रिक थ्रेड हम 60 डिग्री के निकाल रहे हैं तो हमें यहाँ पे 30 डिग्री लिखना है। उसके बाद NSP दिया गया है, और NSP में भी हमें यहाँ पे डिग्री लिखनी होती है, मतलब कि पहला थ्रेड हमारा जो स्टार्ट होगा वो कितना ऑफसेट होगा। अगर हम 1 डिग्री लिखेंगे तो 1 डिग्री ऑफसेट होगा, अगर 2 लिखेंगे तो 2 डिग्री ऑफसेट होगा। अगर इसमें हम 0 रखते हैं तो वो थ्रेड वहीं से स्टार्ट होगा। उसके बाद आता है NRC मतलब कि नंबर ऑफ रफिंग कट, हमें ये थ्रेडिंग का जॉब कितने पास में पूरा करना है। यहाँ पे हम जितना लिखेंगे उतने ही कट लगेंगे, तो ये नंबर्स ऑफ रफिंग कट हमें थ्रेड के डेप्थ के हिसाब से रखने पड़ते हैं। उसके बाद दिया गया है NID मतलब कि हमें थ्रेड के फिनिशिंग के लिए कितने लास्ट में पास लगाने हैं। जनरली हम यहाँ पे 1 या 2 रखेंगे दोस्तों। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है हमारा VRI, मतलब कि उसमें हमें थ्रेड का सिलेक्शन करना है। यानी कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर के सिलेक्शन से बटन से हमें कुछ 4 इमेज अलग अलग दी गई है, उनमें से हमें कोई एक सिलेक्शन करनी है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल में दिखाया है कि पहले 2 इमेज आती है वो एक्सटर्नल थ्रेडिंग के लिए और दूसरी 2 है वो इंटरनल थ्रेडिंग के लिए, और उसमें 1 से 4 नंबर का सिलेक्शन दिया हुआ होता है। 1 नंबर में जो हमें ऑप्शन दिया जाता है वो एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग के लिए दिया जाता है, और उसमें हम कॉन्स्टेंट थ्रेड कटिंग कर पाएंगे, मतलब कि जो सभी कट लगेंगे वो सेम डेप्थ में लगेंगे। उसके बाद उसी तरह से 2 नंबर में इंटरनल थ्रेड के लिए कॉन्स्टेंट थ्रेड कटिंग दिया जाता है। उसके बाद 3 नंबर पर एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग कॉन्स्टेंट पर वो क्रॉस सेक्शन के लिए दिया जाता है, मतलब कि 3 नंबर सिलेक्शन करने से थ्रेड कटिंग के जो कट्स है वो इमेज में जैसे दिखाया उस तरह से क्रॉस सेक्शन में लगेंगे। उसी तरह से 4 नंबर के सिलेक्शन में इंटरनल थ्रेड क्रॉस सेक्शन होगा। तो इन 4 ऑप्शन में से कोई भी हमें 1 ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और जनरली हम एक्सटर्नल थ्रेड के लिए यहाँ पे 3 रखेंगे, और अगर इंटरनल थ्रेडिंग करनी है तो 4 रखेंगे। उसके बाद दिया जाता है NUMTH मतलब कि हमारे जॉब में हमें नंबर ऑफ स्टार कितने लगाने हैं। अगर हम सिंगल स्टार थ्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें इसमें 0 लिखना है, या तो इस ऑप्शन को हम खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर हमें मल्टी स्टार थ्रेड निकालना है तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ थ्रेड लिखना है, जैसे कि 2 स्टार के लिए 2 लिखना है, 3 स्टार के लिए 3 लिखना है। उसके बाद VRT दिया जाता है मतलब कि टूल रिट्रैक्शन पाथ कितना रखना है। जब हमारा थ्रेड कटिंग पूरा होगा तो उसके बाद टूल जो रिटर्न आएगा वो रिट्रैक्शन कितना रखना है। अगर इसमें हम कुछ नहीं लिखते तो डिफ़ॉल्ट 1 mm रिट्रैक्शन सेट किया हुआ होता है। तो यहाँ पे साइकिल 97 के सारे पैरामीटर हमने डिटेल में देख लिए हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि M24 के थ्रेड के लिए जो पैरामीटर चाहिए वो साइकिल में मैंने इनपुट कर दिए। पैरामीटर इनपुट करने के बाद राइट हैंड पे हमें नीचे एक ओके का बटन दिया हुआ है। जैसे हम ओके प्रेस करेंगे तो हमारी साइकिल डायरेक्टली प्रोग्राम में इनपुट हो जाएगी, और अब प्रोग्राम में देख सकते हैं कि जहाँ पे हमने एंड ऑफ ब्लॉक कुछ खाली छोड़े थे वहाँ पे हमारी साइकिल इनपुट हो गई। तो दोस्तों ये हो गई साइकिल 97 के प्रोग्राम को बनाने की बात। अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके उसका सिम्युलेशन देखेंगे। दोस्तों इससे पहले फानुक के जितने मैंने वीडियो बनाए उतने ही मैंने सीमेंस के भी वीडियो बनाए हैं, मतलब कि प्रोग्राम कैसे बनता है, सीमेंस में ग्राफ कैसे सेट होता है, उसके सारे वीडियो है। आप मेरी चैनल पर जाके सीमेंस के रिलेटेड सब कुछ देख सकते हैं। जैसे फानुक में हमने थ्रेड कटिंग का वीडियो बनाया था, वैसे ही सीमेंस में भी थ्रेड कटिंग का वीडियो बनेगा। आप देख सकते कि वीडियो में M24/2 mm पिच के थ्रेडिंग हो रहे हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसे जनरेट होता है, और वो भी देखेंगे कि टेपर थ्रेड निकालने अगर तो वो कैसे दिखते हैं। तो वीडियो में आप देख सकते कि प्लेन थ्रेडिंग का ग्राफ कैसे जनरेट होता है सीमेंस कंट्रोलर पर। अब हम इसी थ्रेड के ऊपर अगर हमें टेपर थ्रेड निकालने हैं तो ग्राफ कैसा दिखेगा वो भी देख लेते हैं। तो टेपर थ्रेड के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्राम में मैंने DM1 को 24 रखा है और DM2 को 26 कर दिया, मतलब कि एंडिंग का डायमीटर हमारा 26 mm कर दिया। अब हम देखेंगे कि ग्राफ टेपर थ्रेड का कैसे दिखता है। दोस्तों वीडियो में आप देख सकते हैं कि टेपर थ्रेड कुछ इस तरीके से निकलेगा, जो कि मैंने DM2 को 26 mm कर दिया, यानी कि 2 mm का टेपर थ्रेड निकाला है। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि साइकिल 97 के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया है। सीमेंस में साइकिल 97 फानुक की तरह बहुत ही ईजी है, और इससे पहले हमने एक फंक्शन देखा था थ्रेड चेनिंग का। तो थ्रेड चेनिंग के लिए सीमेंस कंट्रोलर पर हमें साइकिल 98 का उपयोग करना पड़ता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुछ इस टाइप के अगर थ्रेड हमें निकालने हैं तो सीमेंस में हमें ऑप्शन मिलता है साइकिल 98 का,
जिसमें बहुत सारे अलग अलग डायमीटर होते हैं और पीच भी अलग अलग दी जाती है, तो इस तरीके से थ्रेड भी हम निकाल सकते हैं। अगर इसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी तो हम साइकिल 98 भी देखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज का साइकिल 97 का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों, आप सभी की जो टॉप कमेंट रहती है उसके ऊपर ही मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो जिस टॉपिक पर मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट मिल रही थी वो G76 था, उसके रिलेटेड हमने सीमेंस में भी साइकिल देख लिया। अब जो मुझे ज़्यादा कमेंट मिल रहे हैं वो VMC मशीन के लिए मिल रही है और एक टूलिंग के लिए मिल रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करने वाला हूँ कि CNC टूलिंग के बारे में आपको सब कुछ डिटेल में बताऊँगा। तो इसके बाद आने वाला CNC टूलिंग का वीडियो आप बिल्कुल ही देखना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत रहती है, तो आप मुझे उम्मीद है कि एटलीस्ट लाइक करना नहीं भूलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे और हो सके उतने मेंबर के साथ चैनल को शेयर करेंगे। और आज का मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।